था जो 2023 के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें हमारी तैयारी बहुत ज्यादा है। अगर पिछले इलेक्शन 2018 में हमने 10,000 से ज्यादा वोट मिले, पूरे 5 साल हमने बहुत जद्दोजहद की है, डोर टू डोर इस इलेक्शन मुहिम को हमने जारी रखा है। हर एक्टिविटी में इसमें हिस्सा लिया है हमने, और खिदमत में कोविड-19 कोरोना आया उसमें सड़के में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, फ्री तंदूर फ्री खाने लोगों में तकसीम किए, फिर अलखिदमत के विभाग पे बहुत ज्यादा हमने काम किया। तो मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी के वर्कर्स ने जो पूरे 5 साल इसमें काम किया है, पिछले 2018 के 10,000 वोटों को इंशाल्लाह हम इस दफा जीत में बदलेंगे। हमें पूरी तो है कि पूरी हमारी क्यादत जो है इस 41 हल्के में BP 41 में यकसूर है, पूरी तवानाई के साथ हम इंशाल्लाह मैदान के अंदर है और पूरी होप रखते हैं हम कि इंशाल्लाह हम इस मैदान को मारेंगे और ये BP 41 में हम मैच जीतेंगे। हम सिर्फ जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी अपने निशान से अपने झंडे से अपने नाम के साथ मैदान के अंदर है। हम अलहमदुल्ला 4-5 साल से इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और बाजाबा तौर पर हम इसको इलेक्शन में लेके जा रहे हैं। नौजवानों के इस टीम की मौजूदगी में हम और अजम है इंशाल्लाह BP 41 से जमात इस्लामी तराजू जरूर जीतेगा इंशाल्लाह। हमारे हल्के की आवाज आवाम की आवाज है जो हर मसले और मसाइल के लिए हल के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। ये उनका सेटेट है, कोई गरीब अमीर जो भी लोग आए उनका मसला हल करते हैं, अव्वल तरजीह पे मसला हल करते हैं। कोई ये नहीं देखते वो बंदा कौन है क्या है कैसा है, हर लिहाज से हर मसले को हल करते हैं। इसीलिए मैं मियाँ अब्दुल रऊफ साहब को सपोर्ट करता हूँ और मेरा वोट भी मियाँ अब्दुल रऊफ साहब के लिए। 8 जनवरी तक